जाफराबाद इलाके में एक युवक ने चाकू से हमला कर बीच गली में दोस्त की हत्या कर दी। दोस्त का कसूर इतना था कि उसने अपने जूते देने से उसको इनकार कर दिया था। हत्या के बाद से ही आरोपित फरार बताया जा रहा है। वहीं मृतक की पहचान शाहरुख, जिसकी उम्र 20 साल बताई गई है। आपको साथ ही बता दें, हत्या की धारा में FIR दर्ज कर आरोपित सलमान की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं शाहरुख अपने परिवार के साथ सी ब्लॉक चौहान बांगर में रहता था। परिवार में माँ आशा, दो बहनें व 3 भाई थे। वहीं आपको बता दें, उनके पिता नसीर अहमद की 20 वर्ष पहले ही मौत हो गई थी। आपको बताएं, शाहरुख और सलमान दोनों एक साथ रहते थे। शाहरुख की बहन कमर ने बताया कि उनके भाई रविवार रात को गली में खड़े थे, तभी 8 बजे के आसपास सलमान आया और उन्हें अपने साथ गली नंबर 10 में ले गया। वहां जाते ही वह शाहरुख से उनके जूते उतारने को कहने लगा। आरोपित ने उनके भाई से कहा कि उसे जूते अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वह उन जूतों को पहनेगा। शाहरुख ने अपने जूते देने से जब इनकार किया तो बवाल बढ़ गया और इसी के बाद आरोपित ने चाकू निकाला और शाहरुख पर वार करने शुरू कर दिए। मौके पर भीड़ जुटने पर आरोपित फरार हो गया। वहीं गंभीर हालत में शाहरुख को जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।